गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13। सब्जेक्ट आपका मैथ है, क्लास आपकी सिक्स्थ है और डेट है 10 नवंबर। स्टूडेंट्स, अभी तक हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, नंबर लाइन के बारे में हम सीख सके हैं, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। अगर किसी बच्चे को अभी तक कंपैरिजन नहीं आया है तो पिछली वर्कशीट ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी से ये चीज़ें आ रही हैं। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या चीज़ें बताई थी। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी फॉर एग्जाम्पल क्या है, नंबर लाइन बना रखी है तो ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ से ज़ीरो इधर जब नंबर जाएगा, यानी कि आप अपने जोन से हाथ से लिखते हो, राइट हैंड से, राइट हैंड, अब आप लिख तो लेफ्ट से भी सकते हो, राइट हैंड साइड, ठीक है। जब आप राइट की तरफ बढ़ते हो तो वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन अगर आप लेफ्ट की तरफ बढ़ते हो तो वैल्यू घटती जाती है। एक और चीज़ ध्यान रखना, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। ज़ीरो क्या होता है, ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, न्यूट्रल होता है, ठीक है। इस पर कोई साइन नहीं होता है। अब एक कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इंटीजर्स में, ठीक है। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, ज़ीरो जो है उन सबसे छोटा रहेगा। ज़ीरो जो है, क्योंकि देखो यहाँ पे आएंगे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, इस साइड में 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ठीक है, -5। तो जीरो सभी नेगेटिव इंटीजर्स से बड़ा होता है। मैं ऐसे लिख सकती हूँ, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, जो है क्या है नेगेटिव, इस तरीके से आप लिख लेंगे, नेगेटिव इंटीजर से ज़ीरो क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। और जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनसे ज़ीरो हमेशा छोटा रहेगा। तो यहाँ पे चाहे आप, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 75 तो ज़ीरो से बड़ा है, और अगर इधर आपने क्या लिखा -75 तो ज़ीरो -75 से बड़ा है। बड़े में जितना नंबर बड़ा होगा, साइन लगने के बाद वो उतना ही छोटा हो जाता है। ये चीज़ मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ, तो आपको दो तीन क्वेश्चन करने ही, इजी इजी ऐसे ही, और इसको लाइव में भी कल होप्स हो कि कल लाइव सेशन लेंगे आपका, सो दैट कि आपको ये क्लियर हो सके। तो चलो समझेंगे, एंड सर्कल द लार्ज इंटीजर को आपको, देखो मैंने बताया, मान लो एक नंबर है -75, ठीक है, और एक नंबर दिया हुआ -2, तो माइनस में जितना नंबर छोटा होगा उतना ही वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, -2 बड़ा है, ठीक है। तो सीधा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखा कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, -2 बड़ा है, ठीक है। अब इसमें देखा तो यहाँ पे क्या है, इसमें कौन सा बड़ा होगा, इसमें तो यही बड़ा है प्लस वाला, ठीक है। अब इसमें ज़ीरो, इसमें 12 बड़ा है, ओके। इसमें +3 या -5, +3 बड़ा है, बस आपको एंड सर्कल करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको ग्रेटर और लेस देन लगाना है, ठीक है। तो ज़ीरो क्या है, ग्रेटर है किससे, -3 से। माइनस वाले जितने भी नंबर होगा, ज़ीरो उन सबसे बड़ा होगा, चाहे माइनस में कितना भी बड़ा नंबर आ जाए। ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी अभी तक। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा बड़ा होगा, 60 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस लगने के बाद, क्योंकि 80 तो छोटा हो जाएगा। -43 बड़ा है या फिर -5 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे फिर 40 बड़ा है, यहाँ पे 106 बड़ा है, यहाँ पे माइनस का 7 बड़ा है, 5 बड़ा है, पॉजिटिव वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे, राइट द इंटीजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यानी कि सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या है, -8 है, फिर उसके बाद माइनस का 4 है, फिर 0 है, फिर 4 है, फिर 6 है, इनमें सब में बड़ा क्या हो गया, बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए। अब नीचे वाला भी सेम ऐसे ही करेंगे, सबसे बड़ा हम देखेंगे यहाँ पर, पहले सबसे छोटा देखेंगे, माइनस का 28 सबसे छोटा है, फिर कॉमे लगा देना ताकि नंबर सेपरेट हो जाए, ठीक है। माइनस का 28 हो गया, माइनस का 1 हो गया, एंड 7 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर यहाँ पे 38 आ गया, राइट। ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है पहले क्या होगा, बड़ा आएगा तभी तो वो घटता हुआ जाएगा। तो सबसे बड़ा हमारा इसमें 6 है, ठीक है, 6 सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद 5 बड़ा है, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद -2, उसके बाद -7, राइट। ये हो गया हमारा इसका आंसर। फिर ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा,
इसमें 69 सबसे बड़ा है, देन 64, देन 28, देन माइनस 42 एंड देन माइनस 75. तो माइनस 75 सबसे छोटा है. ठीक है, तो बस यही था हमारी इस वर्कशीट में, बस तीन चार क्वेश्चन आपको करने थे. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको करना है. और इस वाले सेशन का लाइव सेशन शायद कल हो अराउंड 1-1.5 बजे के करीब, या फिर इवनिंग में देखते हैं अगर लाइव सेशन ले पाए तो, सो दैट कि आप लोगों की इसकी प्रैक्टिस हो सके, नंबर लाइन आ जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा. अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का. थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी. अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे तो चेक कर ले कि आपके बेल बटन पर ये सिंबल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है. इसका मतलब होता है अगर इसके बिना सिंबल है तो इट मीन्स कि आपके ओन नोटिफिकेशन ऑन नहीं है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू.